अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वेलकम टू द मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल। माई नेम इज़ मिस उस्मान सैदी। दिस इज़ माई फाइनल टर्म 5 वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट लेसन 14 पेज नंबर 101 एंड 102, आर अर्थ एंड इट्स नेबर्स, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। लेसन 13 पोल्यूशन इज ओमिट। दिस इज योर इंस्पायरिंग साइंस टेक्स्ट बुक। ओके स्टूडेंट्स, ओपन साइंस बुक एंड कम पेज नंबर 101। फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ, देन आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द शेप ऑफ द अर्थ। व्हेन वी लुक अराउंड एज फार एज आवर आईज कैन सी, द अर्थ लुक्स लाइक अ बिग फ्लैट ग्राउंड। लॉन्ग अगो पीपल बिलीव द अर्थ टू बी अ फ्लैट सरफेस। They were afraid of traveling too far off places because they thought they might fall off the edges of the earth. ज़मीन की शक्ल। जब हम आस पास देखते हैं, जहाँ तक हमारी आँखें देख सकती हैं, ज़मीन एक बड़े फ्लैट ग्राउंड की तरह दिखती है। बहुत पहले लोगों का ख्याल था कि ज़मीन एक फ्लैट सतह है। वो दूर दराज मकामात का सफ़र करने से डरते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वो ज़मीन के किनारों से गिर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर। Hundreds of years ago, sailors discovered that if they sailed on and on in one direction, they came back to the same point where they had started their journey. This was possible only if the earth was round. So they concluded that the earth is a round object. सैकड़ों साल पहले मल्लाहों ने यह दरियाफ्त किया, अगर वो एक सिमत आगे बढ़ रहे थे, वो इसी नुक्ते पर वापस आए जहां उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। ये मुमकिन था सिर्फ उस सूरत में जब ज़मीन गोल होती। तो उन्होंने ये नतीजा अख्ज किया कि ज़मीन एक गोल शह है। लुक एट द पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, कम पेज नंबर 102। व्हेन ह्यूमन बींग्स ट्रेवल्ड टू स्पेस एंड लुक्ड एट द अर्थ फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अप इन द स्काई, दे फाउंड इट टू बी अ राउंड बॉडी फ्लोटिंग इन द स्काई। द फोटोग्राफ्स टेकन बाय देम ऑल्सो शोड दैट द अर्थ इज राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड द अर्थ appears flat to us because it is a huge body and at any given time we can see only a very small part of its surface. जब इंसान ने खला में सफ़र किया और ज़मीन की तरफ देखा, आसमान में हजारों किलोमीटर की दूरी से है, उन्होंने यह आसमान पर तैरता हुआ गोल जिस्म मालूम हुआ। इनके ज़रिए ली गई तस्वीर से ये भी जाहिर हुआ कि ज़मीन गोल है। ग्राउंड से ज़मीन हमें फ्लैट दिखाई देती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिस्म है और किसी भी दिए गए वक्त पे हमें इसकी सतह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। लुक एट द पिक्चर।
स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ्स में हमने स्टडी किया कि अर्थ की शेप कैसी होती है और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम अर्थ के नेबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, द अर्थ्स नेबर्स आर अर्थ इज़ नॉट अलोन इन स्पेस। इन फैक्ट इट इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द हेड ऑफ दिस फैमिली। द अर्थ एंड 7 अदर लार्ज बॉडीज आर मेम्बर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। These heavenly bodies are called planets. The 8 planets in the order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the planets are far away from each other. ज़मीन के पड़ोसी यानी कि neighbors। हमारी ज़मीन खला में अकेली नहीं है। हकीकत में ये एक ऐसे फैमिली का हिस्सा है जिसे निज़ाम शमसी कहा जाता है। सूरज इस फैमिली का सरबरा है। ज़मीन और 7 दीगर बड़ी बॉडीज़ निज़ाम शमसी के मेंबर्स हैं। इन आसमानी बॉडीज़ को सियारे कहा जाता है। तरतीब में 8 सियारे सूरज से बढ़ते हुए फासले पर होते हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून शामिल हैं। तमाम सियारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लुक एट द पिक्चर, दीज आर प्लैनेट्स। All the planets move around the sun in a fixed oval shaped path of their own. The path they take around the sun is called an orbit. Our earth appears very big to us, but compared to the earth, the sun is very, very huge. Did you know that almost 1,000,000 earths can fit inside the sun? इनके अपने एक फिक्स्ड बेजवीर शक्ल के रास्ते में तमाम सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। वो रास्ता जो उन्होंने सूरज के आसपास लिया वो ऑर्बिट कहलाता है। हमारी ज़मीन हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ज़मीन के मुकाबले में सूरज बहुत बहुत बड़ा है। क्या आपको ये मालूम था? तकरीबन 1,000,000 ज़मीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। ओके, यानी कि इतनी ज़्यादा ज़मीन का जो हिस्सा है वो सूरज के अंदर फिट हो सकता है। लुक एट द पिक्चर, सोलर सिस्टम। दिस इज योर होमवर्क। Read lesson 14, page number 101 and 102. My 6th video will come soon. In my 6th video, I will start page number 103 and 104, inshallah. Take care. Allah Hafiz. Good luck, student.